हुण बोलना है परमात्मा दी अकल, हुण वेखना है परमात्मा दी मत, हुण खाना पीना है परमात्मा दी मत, हुण जीवना है परमात्मा दी मत, हुण हसना ते रोना है परमात्मा दी मत, हुण जीवना ते मरना है परमात्मा दी मत। तीन तरह के जिहड़े रस ने इहदे विच समुच्चा संसार जुड़िया है, जिहदे सब तो प्रधान रस सिरमौर रस समुचे जगत के छाया होया, हता के पशु पंखियों तक उस रस के लीन ने, उसनो कहन कामना का रस। चाहे कीड़े ने, मकोड़े ने, मक्खियां ने, मच्छर ने, छोटे कीड़े ने, वड्डे पशु ने, छोटे पशु ने, पंछी ने, वनस्पति है, मनुखी जगत है, काम रस प्रधान है। इथो मनुख का जन्म है, इथो कीड़े मकोड़ों का जन्म है, इथो पशु पंखियों का जन्म है। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उदाहरण बड़ा सुंदर दिता है, पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। एकाग्रता बख्शनी है ताकि जो कुछ मैं कहना चाहना कह सकां। पंकज कहिंदे ने कमल नूं ते पंकज कहिंदे ने चिक्कड़ नूं। हुण कमाल दी गल इक्को ही शब्द दे दो अर्थ ने, पंकज कमल का फुल, पंकज चिक्कड़, और इनू इस तरह का कोई शब्द हो ना जिसके दो अर्थ बनन। हिंदी संस्कृत साहित्य में उन्हें कहते हैं दहली दीप, दो अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ, शब्द एक है पर दो अर्थ करेंगे एक कोई वक्त ताई अर्थ बन देन, वरना नहीं। पंकज कमल, पंकज चिक्कड़, पंकज पाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए सिर पे सुंफिया। साहिब कहिंदे जिहड़ा चिक्कड़ है इहदे चों पंकज कमल का जन्म है, चिक्कड़ दे चों पैदा होया। जड़ां इस दियां सारियां चिक्कड़ दे च ने, अंग संग उरझाए बिसर पे सुंफिया। इत्थे तक ते गल कह दित्ती कि कमल का जन्म चिक्कड़ दे चां, इहदियां जड़ां चिक्कड़ दे च ने, पर कमल पानी तो उच्चा हो जांदा है और चिक्कड़ तो उच्चा हो जाता है, पर मनुख पैदा के काम तो होता है, पैदा के वासना तो होता है, जन्म तो इसका संसार विचों है, जन्म तो इसके चिक्कड़ विचों है, पर अंग संग उलझाया बिसर पे सौंपिया, यह तो बिल्कुल ही चिक्कड़ ही फंस के रह गया। एक सुगंधी भुल गया, एक महक भुल गई, एक सुंदरता भुल गया, एक जमया चिक्कड़ विचों, जीवया भी चिक्कड़ विच, मर भी चिक्कड़ विच गया, खत्म चिक्कड़ विच हो गया, चिक्कड़ तो उच्चा उठ ही नहीं सके। तो चरपटनाथ जो भी गुरु नानक पे सवाल करता है, दुनिया सागर दूते कहिए क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोले अवधु नानक देवो सचा विचारो। सिद्ध गोष्ट रामकली मल्ला पहला है, ए नानक जी, ए अवधूत महात्मा, सानू उत्तर दो, जवाब दो, जो संसार है न तरे जान वाला सागर है, इनू किमें पार करिए, इस सागर को किमें लंघिए। इतने बड़े दुख ने, बड़ा कलेश है, बड़ी वासना है, बड़ी तृष्णा है, बड़ा कुछ है, किस तरह बचिए। साहबा ने जो जवाब दिता बड़ा सुंदर, इसे ही सवाल के थले जवाब है। सिद्ध गोष्ट की है, सिद्ध सवाल कर दें, गुरु नानक जवाब देते हैं। सारी बाणी सवाल जवाब की बाणी है, सिद्ध सवाल करी जा रहे हैं, गुरु नानक जवाब दी जा रहे हैं। क्योंकि सिद्ध भी मामूली मनुख नहीं सन, बड़ी साधना सी उन्होंने, बड़ी तपस्या सी, और इन्हों सिद्धा विचों कई उच्च घराने के मनुख सन, जैसे राजा भरतरी सी, गोपी चंद सी, बड़े बड़े आलम धनाढ़ मनुख जोगी बन गए सन। ते गल सिर्फ सिद्धियां तक ही रुक गई, सिद्धियां ते प्राप्त होईयां, अध्यात्मिक रस ना मिलिया। गुरु नानक के सवाल पे करते हैं, दुनिया सागर दूतर कहिए क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोले औधो नानक देवो सचा विचारो। साहिब हुण सच दी विचार देंदे ने, जवाब देंदे ने, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ही ने साने, शब्द सुल्त भाव सागर करिए नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसया आशा मान निराशो,
अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। साहिब कहिंदे ने ऐ चरपट नाथ दुनिया च इंज रहना चाहिदा जिवें कमल दा फुल इंज रह, जैसे जल में कमल निराल। और भरतरी नूं समझाया आशा राग दे शब्द विच गुरु नानक देव जी महाराज ने, जल ते उपजे जल ते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। भरतरी ने प्राणायाम करके श्वासा नूं रोक के अपनी उम्र बहुत लंबी कर ली सी, इतना वड्डी उम्र दा कि जोगी ते भरतरी गुरु नानक नूं बाला कहिंदे सन। बच्चा सब सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन इहो लेवे बाला, बाले का मतलब है बच्चा, मासूम बच्चा। हुण गुरु नानक देव जी महाराज की उम्र जब सुमेर पर्वत ते गए 22-23 साल की, बिल्कुल नौजवान, मसां अजे फुटिया ही सन। तो यह योगी बैठे कोई 500 साल के, कोई 800 साल के, कोई 1000 साल के, लंबिया उम्र करके बैठे, प्राणायाम करके श्वासा नूं रोक लेंदे सन, उम्र चलती नहीं सी, स्वास चलते ही नहीं सन, और लंबिया लंबिया समाधियां ला लैनिया। उन्होंने च भरतरी भी है, तो जो श्वासा की गति में तोड़ते सन फिर चलाते सन, बेचैनिया उस तरीके मौजूद, दुख उस तरीके मौजूद, संताप उस तरीके मौजूद। और भरतरी ने इस गल को कबूलिया है कि उम्र मेरी लंबी जरूर हो गई है, हृदय मेरा पवित्र नहीं होया, इस गल को कबूलिया। महापुरुष की यह पहचान आती है कि वह गल सच्ची कह देता है, बस ये सिद्ध पुरुष की महापुरुष की पहचान है, गल छुपाएगा नहीं। भरतरी के तीन ग्रंथ ने वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, तीन ग्रंथ इस महापुरुष ने लिखे ने। वैराग शतक भरतरी का चोटी का ग्रंथ है, वो लिखता है कि मैं की कीता है, कितनी साधना की तो गल नहीं बनी, जाच जाच के आहार, नाहे सोते स्वाद वार, लाभ होत एक वार, भूख ताप को अवार। भरतरी कहता है राजपाठ छड़ के जोगी बन गया, कि गोरख ने शिक्षा यह दी है कि घर घर विचों भिक्षा मंग के लिया, योगियों की यह शिक्षा दीक्षा हुई सी, भी हंकार चूर होगा, इस माण प्रतिष्ठा खत्म होगी, कि मैं भी कुछ हाँ यह गल खत्म होगी। तो भरतरी कहता मंग के लिया घर घर विच, अठा पैरों के सिर्फ एक पैर खाना, एक वक्त खाना, जाच जाच के आहार, ना ही सोते स्वाद वार। जो कुछ मैं मंग के लैंना कोई स्वाद ही नहीं आता, तो स्वाद की खातर मैं नहीं खाता, सिर्फ भुख के ताप को मिटाने की खातर थोड़ी जिया बुरकियां ले लैंना। भूख ताप को आवार, भूम सैन को बनो, न साथ सैन को बिनो, शरीर मात्र भुख नो, न जोग नो सुते गवार। कहता है गोरख की बसी हुई शिक्षा के मुताबिक मैं मंजे चारपाई पर नहीं सौंदा, जमीन पर सौंदा, न थले कुछ विछाण, न उपर कुछ लैण, जिमें गोरख ने कहा है तिवें करदा। भूम सैन पे बनो, न साथ सैन को बनो। गोरख ने कहा किसी संबंधी नाल गल भी नहीं करनी, तो सारे साथ संबंधियों तो एक पास है, ना मित्र नाल गल, ना पत्नी नाल गल, ना परिवार नाल गल, सब नूं छड़ दिता गोरख के कहने के मुताबिक। धूम सहन को बनो, ना साथ सहन को बनो, शरीर मात्र दुख नो, ना जोग नो सुकेलवार। कहता है कि इस तरह की साधना करव्या करव्या मैं बुढ़ा हो गया, ना जोग नो सुकेलवार, वाल चिट्टे हो गए, जवानी डल गई, युवा अवस्था डल गई, ये साधना करदिया करदे। अगां चल के लिखता है खीन चीर गोबरी, अनेक लीर सौ करी, करी उजार सौकरी, अधैन ग्रंथ वार वार। गोरख ने कहा एक रंग का कपड़ा नहीं पहनना, तो मैं अनेक लीर कठिया करके उसकी गोदड़ी बनाई है तन पे पहन ली, और उजाड़ में एक झोंपड़ी बना ली है, बिल्कुल उजाड़ में जिथे बंदे आ ही नहीं सकते, क्योंकि गोरख ने ऐसा आख्या।
समा में किस तरह पास करना, अध्ययन ग्रंथ वार वार, पढ़े हुए ग्रंथों मुड़ मुड़ के पढ़ना, पढ़िया हुई किताबों मुड़ मुड़ के पढ़ना, पढ़िया हुआ पाठ मुड़ मुड़ के करना, बार बार करना, पढ़े हुए ग्रंथों सारा दिन बार बार वाचता रहना। इस तरीके नाल मैं वक्त पास करना, अपने मन को समझाना। खीन चीर गोदरी अनेक लईर सौंकरी, करी उजार झोंपरी, अध्ययन ग्रंथ वार वार, हाय हाय भोग चहे, नाहे मोह तजे अजे, मोर चित बैल के सवार, बैल को सवार। ए बैल की असवारी करने वाले शिव जी, मेरा मन रूपी बैल तो मेरे काबू च करो जी। इत अजे भी वासना विच है, इत अजे भी कामना विच है। मैं तो बुढ़ा हो गया, लेकिन बुढ़ा होते भी कामना विच हां। गल तो बनी नहीं, जन्म चिक्कड़ विच होया, जीवन भी मैं चिक्कड़ विच, ते हुण डर लगता कि मेरी मौत भी चिक्कड़ विच ना हो जाए, कि मरना भी चिक्कड़ विच ना हो जाए। जन्म होया सी काम विच, जीवन मैं काम विच, कि मेरी कामना विच मौत ही ना हो जाए, अंत ना हो जाए। भरतरी रो के कह रहे हैं। तो मैं इस तरह जन्म के चिक्कड़ विचों ही है सारिया का, जगत के पशु पंखियों का, कीड़े मकोड़िया का, मनुख का। पर जे मनुख चिक्कड़ विच रह जाए, तो पशु पंखी ते मनुख विच कोई अंतर नहीं है। इस वास्ते भारत के तमाम मंदिर उपर कमल का फुल बनाई बैठे हैं, गुंबद। कभी दरबार साहब नूं गौर नाल वेखना, उपर कमल के फुल ने। अकाल तख्त के गुंबद वेखना, उह बकायदा कमल के फुल ने। हिंदुस्तान के बाकी सनातनी मंदिरों के गुंबद तुसीं वेखना, कमल के फुल ने, प्रतीक ने, इशारा ने। ऐ बंदे जमया ते तू चिक्कड़ विच आ, जन्म ते तेरे चिक्कड़ विच होए, पर किधरे हुण अंत भी चिक्कड़ विच ना हो जाए। अंत दिल्ली विच मैनूं ऐसा एक देखण नूं मिले, एक 80 साल का बिरध मनुख, बड़ा दनाद सी, बड़ी गल सी राजनीतिक दुनिया विच भी उसते। ते उहदा जन्मदिन मनाया जा रहा सी, जन्मदिन। ते मैनूं भी सद्दा दित्ता गया, विज्ञानी जी तुसीं भी जरूर आना, नाले मुबारक देनी, नाले 10 मिनट कुछ कहना, इकट्ठ होना है, बड़ा मुबारक देनी। मैं पहुंचया, बड़े बड़े प्रतिष्ठित बंदे आ रहे सन, जन्मदिन मुबारक दे रहे सन, बे जन्मदिन मुबारक, सालगिरह मनाई जाए। 80 साल का बुढ़ा बैठा सी कुर्सी ते, लोकी फुल पै भेट करन, तरह तरह के नजराने पै भेट करन, बे जन्मदिन मुबारक, सालगिरह मुबारक। आखिर मैनू उहदे लड़कियां ने कहा, विज्ञानी जी हुण तुसीं थोड़ा जिहा बोलो। मैं कहा मैनू ना ही बुला के चंगा, क्योंकि मैं बोलिया तो दोस्ती टूट जाने, तो मेरी कई दफा दोस्ती रही नहीं योजना की जगह पर। मजबूर किया उन्होंने, मैं खड़ा किया। मैं कहा गल है, जब ये जमया सी 80 साल हो गए लंघ गई, तो मौत 100 दिन आया नेड़े होते नेड़े, तो हुण मौत याद करनी चाहिए कि जन्म याद करना चाहिए? अजे भी जन्मदिन याद, अजे भी माजी याद, अजे भी सुरत पिछे करदा। दरअसल औखे ना होना, 10 बच्चे किधरे बैठे वनना, 10 बच्चे वो भविष्य की चिंता करनगे, वो अगे भी सोचेंगे, पिछे भी नहीं सोचते। क्यों? अगे अजे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जवान भी किसी हद तक थोड़ा बहुत भविष्य की चिंता च रहा, अगे भी सोचता है। बुढ़े जिथे 10 बैठे होन, अगे भी नहीं सोचणगे, क्योंकि अगे सोचने सिवाय मौत तो हो रहा है, थोड़ी जी सुरत अगे कर मौत है, इस वास्ते पिछे ही देख दे। 10 बुढ़े बैठे होन, जवानी दी गल्लां करनगे, बचपन दी गल्लां करनगे, असी इंज होंदे सी, असी इंज होंदे सी, पुरखा अज तो की है, अज की गल कर। एक मासूम बच्चा जन्मदिन मनावे, गल समझ विच आउंदी है। चलो एक 10-20 साल का जवान भी जन्मदिन मना ले, गल समझ दे चाहती, कोई नहीं अजय बहुत अगाम कुछ पे है। पर एक 80 साल का बुढ़ा भी जन्मदिन मना ले, इतनी गल तो स्पष्ट है, कामना में फसया होया, इन अजे भी जन्म चेते, मौत नहीं चेते। तो गुरु नानक का तो फैसला, तू साडे कोल तां मौत नूं पहले चेते कर, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होश बन की रेण का, तो आओ हमारे पास। जिस दिन मनुख नूं अपना अंत दिस पैंदा है, उसे दिन बेअंत दिसदा है। ते अपना अंत ही नहीं दिसदा, बेअंत की खाक दिसे, सुरत अगे नहीं जाए, सवाल ही नहीं पैदा।
ऐसे मनुखां दा जन्म दे चिकड़ दे चोया, जीवे भी चिकड़ दे च, मर भी चिकड़ च गए, क्योंकि अजे भी जन्म याद आ रहा, मौत नहीं याद आ रही। जो मौत ही नहीं याद आ रही तो रब कित्थे, अपना अंत नहीं दिखाई देता, अंत कित्थे। तो खैर मुख्तसर करी।